गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवीएस में लेसन 11 का बुक वर्क करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, जिनमें प्राण होता है, सांस होता है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें सांस नहीं होता है, यानी कि लाइफ नहीं होती है। ठीक है, लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स होती है थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम, जिसमें सांस नहीं होता, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग कहलाती है। जिनमें सांस होती है वह लिविंग थिंग्स कहलाती है। ओके, लिविंग थिंग्स मीन जीवित चीजें, वस्तुएं, या ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स मीन जो निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है। ओके, चलिए राइट यस और नो। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहां से आपको फिल करनी है, जो करेक्ट है उसमें यस करना है, जो इनकरेक्ट है उसमें नो फिल करना है। ओके, फर्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स जो है मूव कर सकती है, यस लिविंग थिंग कैन मूव। ओके, लिविंग थिंग्स कैन मूव, ठीक है, यस कर सकती है मूव। सेकंड है, प्लांट्स डू नॉट मूव एट ऑल, जो प्लांट्स हैं क्या वह बिल्कुल भी मूव नहीं करते, इसमें आएगा नो, वह करते हैं, है ना, इसलिए नो, ठीक है, करते हैं ना, ग्रो करते हैं, वाटर भी लेते हैं, अपना फूड भी लेते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं क्या वो अपने वो बच्चे पैदा नहीं करते, मैं पूछा है जो नॉन लिविंग थिंग्स है बच्चे पैदा नहीं करते, तो इसमें आएगा यस, सही लिखा है, ठीक है, सही है ये, वह बच्चे पैदा नहीं करते, यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, फोर्थ देखिए, लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर एंड वाटर, जो लिविंग थिंग्स है उनको पानी और हवा की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसमें ये पूछा है, इसमें नो आएगा, क्योंकि उनको इनकी नीड होती है, एयर एंड वाटर की नीड होती है, ठीक है, यहाँ पर नो फिल करेंगे। ठीक है, फिफ्थ देखिए, अ टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, यस, जो टेबल है क्या वह नॉन लिविंग थिंग्स है, यस, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, इनका आंसर हमें देना है। ओके, राइट एनी वन करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो हमें इसकी एक जो इसमें क्वालिटी होती है लिविंग थिंग्स में, एक यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, यानी कि एक विशेषता लिखनी है इनकी, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ओके, सेकंड देखिए, नेम टू नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल एंड चेयर, यहाँ पर दो नॉन लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। थर्ड है, हाउ डू प्लांट्स मूव, जो प्लांट्स है वह मूव कैसे करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज सीड्स, ठीक है, कैसे करते हैं, बीज के थ्रू, ठीक है, एंड द स्टेम ऑलवेज ग्रोज अपवर्ड्स टूवर्ड्स द सन, और जो उसकी स्टेम होती है वह हमेशा क्या होती है, ग्रो करती है सन की साइड, ठीक है। आपको यहाँ पे इनको बुक में फिल करना है, ठीक है, और ये चैप्टर अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है, लिविंग एंड
नॉन लिविंग के बारे में, ठीक है, और अपने आसपास भी ऑब्जर्व करेंगे कौन से लिविंग थिंग्स है और कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।